बुक बास्केट में सभी का स्वागत है। मॉडर्न लाइफ देखने में तो ऐसी लगती है कि हम वॉक पर निकले हैं, बट वास्तव में बाहर बहुत ज्यादा भीड़ है और अनजाने लोग हरदम हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। आप यह अच्छी तरह से जानते हो कि अच्छी चीजें होने में समय और एनर्जी लगती है। इस बात से हर कोई एग्री करेगा कि हमें जिंदगी में सफल होने के लिए अच्छी आदतें बनानी चाहिए। अगर आप अपनी बॉडी को एक अच्छे शेप में रखना चाहते हैं तो आपको जंक फूड खाने से और अल्कोहल से बचना पड़ेगा। आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और अच्छी नींद लेनी पड़ेगी। अगर आप लोगों के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं तो आपको लोगों को समय देना पड़ेगा। अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको नई स्किल सीखनी पड़ेगी। आप अपनी फील्ड में अच्छी आदतें बनाए बिना ऐसा नहीं कर सकते। हमारी ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती कि हम अपने आप अच्छी आदतों को अपनाते रहे। आपकी अच्छी आदत एक शील्ड की तरह काम करती है जो आपको उन अनचाहे डायरेक्शंस में जाने से बचाती है जिनमें आप नहीं जाना चाहते हैं। आप वह इंसान बन सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। हम सब एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं और यह तभी संभव है जब हम अच्छी हैबिट्स को बनाना सीखें। आप आज अपनी जिंदगी में जो भी है, जहां भी हैं, वह आपकी आदतों की वजह से ही है। एक्सीलेंस और कुछ नहीं पर एक आदत है। औसत आदतों की वजह से हमें औसत रिजल्ट मिलते हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी आदतों को बदलकर औसत रिजल्ट से एक्सीलेंस की तरफ जा सकते हैं। आदतों को बदलना यानी हमारे बिहेवियर को चेंज करना ताकि हमारे जीने की क्वालिटी बेहतर हो सके। आज की बुक द रोड टू बेटर हैबिट बाय डेरियस फरू में हम बात करेंगे 5 ऐसे तरीकों की जिनको फॉलो करके आप अपनी एवरेज हैबिट्स को विनिंग हैबिट्स में बदल सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की। अपनी आइडियल हैबिट पर फोकस करें। हर आदत हर इंसान के लिए सही नहीं होती। इसमें आपको सबसे पहले यह जानना है कि आपकी फील्ड के हिसाब से सक्सेस पाने के लिए कौन सी वे आदतें हैं जो आपके लिए जरूरी है। खुद से पूछिए कि क्या यह पर्टिकुलर हैबिट आपकी सक्सेस के लिए जरूरी है। खुद से पूछना इसलिए जरूरी है ताकि हम यह जान पाए कि यह आदत हमें क्यों डालनी है, क्योंकि बिना किसी रीजन के इंसान कुछ नहीं करता है। इसलिए जब आपके पास किसी आदत को अपनाने का एक सॉलिड रीजन होगा तो उस आदत को अपनाना ज्यादा आसान हो जाएगा। कोई भी इंसान किसी भी आदत को अपना सकता है, बस शर्त है कि उसके पास खुद में चेंज लाने का एक अच्छा रीजन मौजूद हो, और वह अच्छा रीजन आपके दुख और तकलीफों की वजह से आता है। आपके जीवन में एक ऐसा समय जरूर आता है जब आप उस तरह का इंसान नहीं बने रहना चाहते जैसे आप हैं। वहीं से आपको मिलता है एक ऐसा रीजन जिसके लिए आप चेंज होना चाहते हैं। आपका रीजन दिखावा न होकर एक्चुअल होना चाहिए ताकि आपको अंदर से इस हैबिट को अपनाने की मोटिवेशन मिले। आपके लिए सोचना बहुत जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी में कहां पहुंचना चाहते हैं, और उसके हिसाब से ही आज आपको उन हैबिट्स पर ध्यान देना चाहिए जो आपको वहां तक ले जा सकती है। लेखक यहां पर अपनी एक आदत पर बहुत जोर देते हैं, वह है डेली प्रायोरिटी को सेट करना। प्रायोरिटी को सेट करने से आप अपने फोकस को ट्रांसफर कर सकते हैं, और यह तो आप भी जानते हो कि जितना ज्यादा आप अपनी प्रोडक्टिव चीजों पर फोकस करेंगे उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। यह आपकी जिंदगी की बहुत ही अच्छी हैबिट है। जब आप रोज अपनी डेली प्रायोरिटी को सेट करते हैं तो आप अपने एक्शंस में ज्यादा बेटर हो जाते हैं, और आपके बेहतर एक्शंस बेटर रिजल्ट्स लेकर आते हैं। स्टेप नंबर 2, एक समय पर एक ही आदत बनाएं। बहुत सारे लोग अच्छी आदतों को डालने में असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वह बहुत सारी आदतों को एक साथ अपनाते हैं। लेखक का कहना है कि यदि आप अपनी जिंदगी के किसी क्षेत्र में अच्छी आदतों को अपनाना चाहते हैं तो आप एक समय पर एक ही अच्छी आदत को अपनाएं। जब वह आदत आप पूरी तरह से अपना लें तब आप उस फील्ड में दूसरी आदत पर जाएं। जनरली भी हम देखते हैं कि जब हम एक समय पर बहुत सारे कामों को करते हैं तो हम कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते। किसी एक समय पर हम बहुत सारे काम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम उस समय पर बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं, और हम सोचते हैं कि हम थोड़े समय में ही बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। हम हमारी जिंदगी के सभी क्षेत्रों में तरक्की करना चाहते हैं, पर समस्या ये आती है कि हम कितनी भी कड़ी मेहनत करें हम वापस अपनी पुरानी आदतें अपना लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल को परमानेंट चेंज करने के लिए हमें टाइम और एनर्जी की जरूरत है। एक स्टडी में सामने आया है
कि जब हम ढेर सारे गोल्स पर फोकस करते हैं तो हम ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब हम किसी एक गोल पर फोकस करते हैं तो उसे अचीव करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हैबिट्स को अपनाने का भी सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक समय पर एक फील्ड में एक ही हैबिट अपनाई जाए। सारा खेल एनर्जी का है। आपके पास एनर्जी लिमिटेड है, उसको आप सारी फील्ड में एक साथ लगाएंगे तो थोड़ी थोड़ी एनर्जी सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, लेकिन अगर आप किसी एक आदत पर पूरी तरह से फोकस करेंगे तो सारी एनर्जी इस पर होने से उसमें बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। लेखक ने जीवन के 5 एरिया बताए हैं, करियर, हेल्थ, लर्निंग, मनी एंड रिलेशनशिप। इसके अलावा आपका कोई और एरिया भी हो सकता है। स्टेप नंबर 3, सेट एड बार वेरी लो। जब आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को अच्छे की तरफ ले जाना चाहते हैं, तब इस बात की पूरी संभावना है कि आप बहुत ही जल्दी हर फील्ड में बहुत सारे बदलाव चाहते हैं। जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में बदलाव करने के लिए हमें बहुत सारा काम करने की जरूरत होती है, इसलिए हमें शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करनी चाहिए। अगर आप रोज दौड़ना चाहते हैं तो चलने से शुरुआत करें। अगर आप किताब लिखना चाहते हैं तो एक वाक्य लिखने से शुरुआत करें। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो एक क्लाइंट से शुरुआत करें। हर आदत को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें और छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। जब हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट गोल सेट करते हैं तो ये बहुत ही नेचुरल है कि हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो और हम ढेर सारा काम एक साथ करना चाहते हो। पर जब हम अपनी रिच से बाहर के गोल सेट कर लेते हैं तो हमें नई हैबिट्स को सस्टेन करने में बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए किसी भी हैबिट को लॉन्ग टाइम तक बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है छोटे से शुरुआत करना। यानी आपको अपनी एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल कम रखना है और अपने डेली गोल को जितना हो सके उतना छोटा रखना है। बाद में धीरे धीरे समय के साथ अपने गोल्स की लिमिट को बढ़ा सकते हैं। ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं कि समृद्ध और सुखी जीवन जीना आसान काम नहीं है। अगर आसान होता तो हर इंसान सुखी तरीके से जी रहा होता। हम ये भी जानते हैं कि हमारी सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स लेकर शुरुआत करते हैं। अगर आप शुरुआत में ही बहुत सारा काम करना चाहोगे तो आपके उस हैबिट को छोड़ देने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए जब भी आप कोई नई हैबिट बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि हमारा मकसद है शुरुआत में हैबिट को सरल से सरल बनाना। स्टेप नंबर 4, सारी बुरी आदतों को छोड़ दें। बुरी आदतें आखिर होती क्या है? ऐसी आदतें जिनका आउटकम आपको कुछ नहीं मिलता, वही असल में बुरी आदतें होती हैं। जैसे बिस्तर में पड़े हुए फोन चलाते रहना, बिना किसी पर्पज के टीवी देखना, सोशल मीडिया यूज करना, गॉसिप करना आदि। अगर आप वास्तव में अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए सीरियस है तो आपको आज ही अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। सपोज कीजिए आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं और उसके लिए आप एक्सरसाइज और रनिंग की हैबिट को अपनाना चाहते हैं, लेकिन ये हैबिट आपको तब तक फायदा नहीं पहुंचा सकती जब तक कि आप अपनी जंक फूड खाने की आदत नहीं छोड़ देते। इसका मतलब है कि अगर आप हेल्दी हैबिट्स अपनाना चाहते हैं और उनको बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बुरी आदतों को छोड़ना भी पड़ेगा। ये हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी बुरी आदतें होती हैं। ये जानने के लिए आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है कि स्मोकिंग करना, शराब पीना, सोशल मीडिया यूज करना, कंप्लेंट करना, दिन भर टीवी देखते रहना बुरी आदतें हैं। हम जानते हैं कि इनसे हमें कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, उसके बाद भी हम इन आदतों को बनाए रखते हैं क्योंकि हम इन्हें तोड़ना नहीं जानते। किसी हैबिट को अपनाने के लिए एक एरिया में किसी एक ही नई हैबिट पर फोकस करने का तरीका हैबिट्स को तोड़ने के लिए काम नहीं करता। आपको बुरी आदतों को छोड़ने के लिए सारी बुरी आदतों को एक साथ छोड़ देना होगा। इसके अलावा और कोई अच्छा रास्ता नहीं है। आपको इस बात को बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि यह आपकी जिंदगी का सवाल है। आपको दिखा देना होगा कि आप अपनी लाइफ को बदलने के लिए कितने सीरियस हैं, और जैसे ही आप सारी बुरी आदतों को छोड़ेंगे अगले ही पल आप एक नए इंसान बन जाओगे जो नई आदतों को अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, हमें बस जरूरत है तो अच्छी आदतों की जो हमें सपोर्ट करें। स्टेप 5, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहे। जब हम कुछ काम करना चाहते हैं तब हम उसे करते हैं और भूल जाते हैं। हम किसी आदत को अपनाते हैं और धीरे धीरे हम उसे पूरी तरह से भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लगातार उस हैबिट को ट्रैक नहीं करते हैं।
जब हम अपनी हैबिट को कंटिन्यू ट्रैक करते हैं तो ये हमेशा हमारे दिमाग में बना रहता है कि हम अपनी जिंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं। लेकिन जब हम चीजों को ट्रैक नहीं करते हैं तो हम उन्हें धीरे धीरे भूल जाते हैं। सफलता पाना कोई ऐसा काम नहीं है कि आपने एक बार पा ली और यह हमेशा आपके पास रहेगी। सफलता मतलब आपको अच्छी आदतों को हर रोज करना है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी हैबिट्स की अकाउंटेबिलिटी रखें। लेखक का कहना है कि अपनी हैबिट्स को ट्रैक करना लंबे समय में सफलता पाने का सबसे अच्छा तरीका है। जब आप रोज अपने समय का थोड़ा हिस्सा निकालकर इस बात की जानकारी रखेंगे कि आप हैबिट्स के मामले में क्या कर रहे हैं, तो आपको कॉन्स्टेंटली यह रिमाइंड होता रहेगा कि आप अपनी जिंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं। जब आप बार बार इस बात पर फोकस करेंगे कि आप अपनी जिंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं, तो आपकी एनर्जी भी उस टास्क पर लगने लगेगी, और जहां आपकी एनर्जी होगी वहां आपको सक्सेस मिलेगी। अपनी हैबिट्स की अकाउंटिंग करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इसलिए इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट न करके आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप खुद की आदतों के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यह आपकी जिंदगी है। हमने अभी 5 ऐसे तरीकों को जाना है जिनसे बुरी आदतों को छोड़ना और नई आदतों को अपनाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जिंदगी की सच्चाई ये है कि आप कितना भी बेहतरीन कर ले, सेटबैक आना तय होता है। और क्योंकि इंसान सेटबैक को फेस करने के लिए कभी कोई तैयारी नहीं करता, इसलिए हमें यह समझ नहीं आता कि इस समय पर क्या करें। ऐसा अक्सर होता है कि आपने अच्छी आदत को अपना लिया, आप अपने गोल की तरफ कॉन्स्टेंटली बढ़ते जा रहे थे, फिर अचानक किसी वजह से आपका मोमेंटम टूट जाता है और आप फील करते हैं कि आप वह सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद पर रिग्रेट करते हैं। ऐसे में आपको अपनी उन सारी पुरानी सफलताओं के बारे में सोचना है। आपको यह याद रखना है कि असफलताएं परमानेंट नहीं होती, यह समय भी निकल जाएगा और आप फिर से सफल होंगे। जब आप लगातार अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को अपनाते रहेंगे तो आपकी जिंदगी हर रोज बेहतर बनती जाएगी। लेकिन तब आप अपने आजू बाजू देखेंगे तो पाएंगे कि बाकी लोग वहीं के वहीं बने हैं। इस तरह की चीजों को शुरुआत में फेस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपका बहुत मन करेगा कि आप उन लोगों को बताएं कि किस तरह से वे अच्छी आदतों को अपनाकर जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। पर यकीन मानो, आपके आसपास के लोगों को इस बात से बहुत कम फर्क पड़ेगा, क्योंकि यह आप हैं जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, इसलिए आपने अच्छी आदतों को अपनाया है। जब तक इंसान के अंदर से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का जज्बा नहीं जागेगा, तब तक आप उससे जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकते। इसलिए ऐसी स्थिति में बेहतर यह है कि आप खुद बेहतर जिंदगी जीने का तरीका एग्जाम्पल के जरिए उन लोगों को दिखाएं, न कि उन्हें बोलकर बताएं। अच्छी आदतों को अपनाने के लिए हमेशा बेहतर काम करते रहे। इस चीज को हमेशा याद रखें कि कुछ न कुछ करते रहना कुछ नहीं करने से बहुत ज्यादा बेहतर है। इन्हीं तरीकों को फॉलो करके लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है। किसी अच्छी आदत को अपनाना भर काफी नहीं है, सक्सेस का सीक्रेट तो छुपा है इस बात में कि आप उस आदत को कितने लंबे समय तक बनाए रखते हैं। और इस बात को आप अच्छी तरह से जान गए हैं कि जब आप अच्छी आदतों को अपनाना शुरू कर देते हैं तो आप एक बेहतर जिंदगी की ओर चल पड़ते हैं। दोस्तों, कमेंट्स और लाइक्स के जरिए जरूर बताइए कि आपको यह बुक समरी कैसी लगी। हमारी सारी बुक्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूले। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और किताब के साथ। थैंक यू।